परवर्ती खबर को राज्य में विद्युत काट बढ़ुची ता सहित लोकमान समस्या भी बढ़ुची यहाँ को नहीं ग्रिडको एमडी एक प्रेसमिट करुछंती आसंतु ता उपरे नजर पकाइबा पावर सप्लाई देबा पई भी निर्देश देले ता स ता परे चीफ मुख्य सचिव महोदय कहले जे जे जेहेतु कोइला परिस्थिति बहुत खराब राज्य रे तेणु कोयला आमर जो जेनरेशन कंपनी माने अच्छा जैसे वेदांत जीएमआर नब्बार तीन जो मैंने सब अच्छा ओपीजीसी से मानक निरवच्छिन्न कोयला देवाप सरकार राज्य सरकार एमसीएल को रिक्वेस्ट करिवो जे तांकर कोयला स्टॉक बढ़ेबा और रेलवे को भी निर्देश दिया जिवो जे से माने अधिक रैक जोगी करी कोयला अधिक सप्लाई करि परिबे सिमिलरली हाइड्रो जनरेशन को मैक्सिमम एक्सटेंट रे बढ़ाया पई मुख्य सचिव निर्देश भी देले सर सर डिमांड केते सप्लाई केते राज्य रे आमे एप्रिल मास रे गत वर्ष एप्रिल रे भी एमिता परिस्थिति थिला सेटा अलग परिस्थिति कारण जो होइतला किंतु ए वर्ष आपण जानिथिबे जे सारा भारत रे समरटा खरा दिनटा टिके आगुआ चली आसी सुनो आम एटा प्रेडिक्शन आम बाहर थिला जे एप्रिल मास रे डिमांड एते जल्दी बढ़ी जाव आम मे मास रे जो डिमांड आसवा कथा सेटा एक्चुअली एप्रिल मास रे आसीगला ए वर्ष एप्रिल मास रे अन एन आवरेज आम आवरेज डिमांड आउ पिक डिमांड रे 8-10% अधिका हो जाए जमीक आम आवरेज डिमांड हाँ कथा 3500 मेगावाट जोटा एवं 3900-4000 पाखापाखी है सिमिलरली पिक डिमांड आम 4000 होता गत वर्ष एप्रिल 4400 बढ़ी जाइए डिमांड बढ़ी चल भल के भल भल जे एक्चुअली बिकज इंडस्ट्रियल कंजम्पशन राज्यपाई भल बट खरा जो डिमांड एसी डिमांड बढ़ी जाइए आपणकर इंडस्ट्री डिमांड बढ़ी जाइए बर्तन सेक्टर जमी आसवा कथा निरवच्छिन्न वाले आगुरी आसूला ए बर्ष दुईटा जिनस जोटा कि असुविधा करता जोटा कि सामयिक भाव में आम कहीपरू आम जानूँ आम हाइड्रोलेट जेनेसन टे कमी बिकज आम व्टर लेवल रिजर्वर लेवल कमी जाए जोटा कि आम सार प्रेजेट भी करूँ रिजर्वर लेवल कम अच्छी कोईला परिस्थिति सब प्लांट का पाखे कोयला स्टॉक भी 6-7 दिन एम सब कोयला स्टॉक अच्छे स्टॉक नाला किंतु आम राज्य में अन्य राज्य अपेक्षा 12टा स्टेट रे आम कल देखीलु 12टा स्टेट रे सर्टेज सिचुएशन अच्छी वेरी वेरी मानने प्रिकारियस सिचुएशन भी अच्छी कोयलार कि आम जेहेतु आम राज्य में कोयला प्रडक्शन होणु आम राज्य में कोयला परिस्थिति एक्चुअली प्रोब्लेम जो हूँ बर्तन आपने देखुए जो सामूहिक भाव प्रोब्लेम से चीफ सेक्रेटरी निर्देश दे 7 दिन भितर आम 2टा प्लांट आउटेज अच्छी गोटे है दार्लीपल्ली जोटा कि 23 तारीख दिन पल चलीगला सडनली चलीगला 23 तारीख दिन सकाल 8:40 आम गोटे सामयिक भाव में ग्रिड रे पावर अभाव होगा आउ तेणु आपण मैंने जानते हैं भारत में वर्तमान बिकज ऑफ कोयला सर्टेज पर पूरा देश में पावर अवेलेबिलिटी ना मैंने आम गोटे पावर एक्सचेंज अच्छी जो पावर एक्सचेंज रहा दरकार पड़े सपोज 200 मेगावाट सर्टेज है 200 मेगावाट किनदेबा किंतु एबे 200 मेगावाट आपण चाहिले भी 12 टंकारे आपण किनिबाकू चाहिले भी माने सेटा किनि पारबे आपण 200 मेगावाट 100 स्टेट माने 100 कहि परबे नै 15 स्टेट देथिबे आपणकर बीट देथिबे तणु करे आमु को आमे 200 मेगावाट पखिबा आमु 20 मेगावाट मिलबो तणु पावर अवेलेबिलिटी नै तणु करे मुख्य सचिवकर निर्देश हला जे आमे आमर निज स्टेट रो हाइड्रो बढ़ेबा आम निज स्टेट थर्मल जेनरेशन बढ़ेबा से कोयला रिक्वायरमेंट हेल्ले एमसीएल को लिखा हे गवर्नमेंट निर्देश दबो एवं डिस्कम मान को भी निर्देश दिहाई जे तांकर जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर मैंने अच्छा जो मैंने हाई लोड कंज्यूम करूँ ये समर जो कहें कंजम्पशन को टे टैपर करेंगे अन्य राज्य में सब कौन होना इंडस्ट्री मानक गोटे गोटे दिन अफ करा रोटेशनल बेसिस रे जोटा कि जेहेतु आम अवस्था परिस्थिति सामयिक सर कहे रिक्वेस्ट कर डिमांड टी कम करेंगे से ही डिमांड को 200 मेगावाट 100-200 मेगावाट आम एक्चुअली डोमेस्टिक और कमर्सील कंज्यूमर को निरवच्छिन्न बिजुली देखते।
ଡଲିପଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ଆଉଟେଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓପିଜିସିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନୁଆଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆସିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। 440 ଡଲିପଲ୍ଲୀ ଓପିଜିସିରୁ ମିଳିବ ଆରାଉଣ୍ଡ 400-450 850 ଆମର ଏତିକି ଅଛି, ତାକୁ 850 ଛାଡ଼ିକରି ବି ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ବି ଟିକେ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା କୋଇଲାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କିଛିଟା କମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ସର୍ଟଫଲ୍ ପାଖାପାଖି 450 ମେଗାୱାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଗ୍ରିଡ୍କୋର ଏମ୍ଡି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିକ୍ ଆୱାରରେ ରହୁଛି, ପିକ୍ ପାଖାପାଖି 4000 ମେଗାୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ପିକ୍ ଆୱାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ମେଣ୍ଟାଯାଇପାରିବ, କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କିଭଳି କରାଯାଇପାରିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ରହିଛି, ଗରମ ବି ଅଧିକା ହେଉଛି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିନରେ ନ କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ତା ଉପରେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ଏମ୍ଡି।